आप पेमेंट लिए हैं कि नहीं? हम लोग कहाँ पेमेंट लिए? हम लोग अपना पैसा से आए हैं और जेडी के तेजस्वी यादव का कर्ज करता देख रहे हैं, मुझसे पैसा लेने पैसा लेके नहीं, अपना खून और पसीना से आता है। अच्छा यादव जो बोले हैं वो किए हैं। इधर जो भाजपा सरकार है ये तो सब मामले में झूठ, 15 लाख रुपया सबके खाते में, वो भी झूठा। गंगा माई की सफाई वो भी झूठा। 2 करोड़ को रोजगार वो भी झूठा। हर मामले में भाजपा मतलब झूठा। रैली था औरंगाबाद में, खाली झंडा के अलावा जनता तो नजर नहीं है। बोलेंगे और सुनेंगे, उनका रास्ता बचाएंगे और आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनाएंगे। अभी मेरी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है और देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का हुजूम, क्योंकि आप आज जो है जनविश्वास महारैली का आयोजन किया गया है और लोगों का हुजूम देख सकते हैं। ऊपर कैमरा करके दिखाइए कि लोगों का जन सैलाब आपको दिख रहा होगा। हालांकि बारिश का मौसम है, बूंदाबांदी बारिश भी हो रही है, लेकिन लोग फिर भी खड़े हैं तेजस्वी यादव का जो भाषण है उस भाषण को सुनने के लिए। देख सकते हैं इधर भी लोग काफ़ी संख्या में आए हुए, दूर दूर से आए हुए, पूरे बिहार से लोग पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ये तेजस्वी यादव का भाषण सुनने के लिए आए हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लोग किस क्या बोल रहे हैं। जनसलाम का बड़ा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। हाँ, लाखों लाख। क्या नाम हुआ आपका? गौस है। कहाँ से आए? औरंगाबाद जिला से। औरंगाबाद से आए? हाँ। क्यों खाली झंडा लेके एकदम लहरा रहे हैं? तेजस्वी यादव को झंडा मोदी जी को हराना है। हाँ। और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री? हाँ। क्यों बनाइएगा मुख्यमंत्री? तेजस्वी को मुख्यमंत्री क्यों बनाना है? 5 लाख रोजगार दिए हैं, शिक्षक को बहाली किए हैं। हाँ, तो 5 लाख से क्या हो जाएगा बिहार में? बिहार का पूरा जनसंख्या बनेंगे तो करोड़ों को बहाली करेंगे। अच्छा, जलवा क्या आपको लगता है कि फिर वो देंगे? वो हाँ देंगे, दम देंगे। अच्छा, हाँ रोजगार दम देंगे। क्या क्या बोल रहे हैं आप? इधर आइए, मीडिया वाला को भी रोजगार देंगे भाई। हाँ? इधर आइए ना, इधर आइए ना। हाँ, क्या बोल रहे हैं यादव जो बोले हैं वो किए हैं। इधर जो भाजपा सरकार है ये तो सब मामले में झूठ। 15 लाख रुपया सबके खाते में, वो भी झूठा। गंगा माई की सफाई वो भी झूठा। 2 करोड़ को रोजगार वो भी झूठा। हर मामले में भाजपा मतलब झूठा। अरे सुबह शाम का राशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं पता? कोई ज्यादा राशन नहीं दे रहे हैं। एसजी देवगौड़ा के सरकार में मिला था, उसी को देवेंद्र प्रसाद यादव जो है केंद्रीय मंत्री थे, वही एपीएल बीपीएल चाहिए रोजगार। ये धर्म की जनमुक्ति से नहीं, कोने कोने में जन सैलाब है तेजस्वी यादव का। अच्छा, क्या बोले? तेजस्वी यादव की जलवा है बिहार में। 40 में 40 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन जीतेंगे और 2025 में सभी पार्टी का जमानत जब्त होगा और पूर्ण बहुमत के साथ। सुनिए, आप लोग कितनों कोशिश कर लीजिए, अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। नीतीश का समय, नीतीश चाचा थक चुके हैं उसका, अब वह काम करते करते थक चुके हैं। अब वह नहीं है वो चाचा, वो हाथ काम करता है ना पैर काम करता है, न दिमाग काम करता है, तो मुख्यमंत्री बनने लग कैसे है जी? अच्छा, तब तेजस्वी यादव आरजेडी, जब आरजेडी से मिले हुए थे तब काम कर रहा। अरे भाई, आरजेडी से जब मिला हुआ था तो काम नहीं कर रहा था। तेजस्वी यादव कर रहे थे और जब कर रहे थे काम तो इधर से उधर भाग गए कि हमको प्रेशर, हमको बोलने नहीं देता। चमक वाली नहीं है। अरे चमक चमक छलो है नीतीश कुमार, सतभात्री है, सतभात्री इधर से उधर लड़ लेता है, उधर जाता है उधर लड़वाता है, सतभात्री है, सतभात्री नीतीश कुमार। तो इस बार क्या लगता है कि कौन सा कौन मुख्यमंत्री? मोदी के रैली था औरंगाबाद में, खाली झंडा के अलावा जनता तो नजर नहीं है। सरकार किनारे के लिए सरकार आप पेमेंट लिए हैं कि नहीं? हम लोग कहाँ पेमेंट लिए? हम लोग अपना पैसा से आए हैं और जेडी के तेजस्वी यादव का कर्ज करता देख रहे हैं, मुझसे पैसा लेने पैसा लेके नहीं, अपना खून और पसीना से आता है। अच्छा, मोदी के नहीं है कि 300 रुपया लेकर मोदी के रैली में जाता है। अच्छा, तेजस्वी के रैली में, तेजस्वी के इसमें दिल बसता है, दिल है तेजस्वी के, चलते जान दे देंगे। अगर लालू यादव के किडनी लगा था, जरूरत पड़ता तो मैं अपना खुद देते, आप दे देते, दान दे देते, हंसते हंसते दे देते।
अच्छा अच्छा ना तो कहा, देख सकते हैं लोगों का जो जोश है वो काफी दिख रहा है और लोग खूब उत्साह से बोल रहे हैं। अच्छा बारिश हो रहा है, बारिश हो गया, पत्थर बड़े हिलेंगे नहीं। जो मेरे सर तेजस्वी यादव बोलेंगे और सुनेंगे उनको रास्ता बचाएंगे और आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ मुख्यमंत्री भैया, मत पीछे सारा जमाना। अभी नारा लगाने से क्या होगा? तेजस्वी सीएम बनेंगे। नारा लगाने से 10 लाख और रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा, जरूर जरूर। और 10 लाख अभी और देंगे, अभी सरकार में आएंगे तो 17 महीना में 5 लाख रोजगार दिए हैं। पकौड़ा बेचेगा युवा, मोदी जी पकौड़ा, मोदी जी बेचवाते हैं। पूरा इंडिया भर में 5600 वैकेंसी निकाले हैं लोको पायलट के, और मेरे तेजस्वी यादव है पूरे बिहार में 5 लाख वैकेंसी बाहर। समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। जे अब युवा के जरूरी है बिहार में, युवा का, बूढ़ा लोग के नहीं। नहीं नहीं, जगह नहीं है, गांधी मैदान में जगह नहीं है। सब अब युवा का नौकरी चाहिए। नीतीश जी आशीर्वाद दे दिए हैं, तेजस्वी जी के आशीर्वाद दिए, मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी जी। जरूर जरूर बोले हैं भी कि युवा के जमाना है, अरे उनको भटक के क्या कीजिएगा। सम्राट सम्राट चौधरी जरा पीछे से कमर दबा के भेजा दिए हैं। अच्छा तब क्या कीजिएगा। तो देख सकते हैं अभी हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है, जो कि जन विश्वास महारैली का आयोजन किया जा रहा है, और यहाँ पे लोगों का जो उत्साह है काफी देखने को मिल रहा है, और लोगों का मानना है कि इस बार युवा सरकार तेजस्वी यादव अब नीतीश कुमार नहीं। नीतीश कुमार, अच्छा आप ही बताइए भाई, आपका एज कितना हो रहा है? आप युवा ने खोजिएगा कि 70-75 वर्ष वाला खोजिएगा, काम करने वाला होना चाहिए। तेजस्वी के अलावा है कौन काम? आपको भरोसा है तेजस्वी? आपको भरोसा नहीं तेजस्वी यादव पर? नहीं, आपका राय क्या है, आपका भरोसा है या नहीं? मेरा पूरा भरोसा, हम आया झंडा लेके, नहीं तो सिर्फ झंडा लेके बुआ रहे ऐसा। जब वोट रोजगार दिए है, रोजगार जी पूरा युवा है, एक बूढ़ा लोग रोजगार दिए है, रोजगार। अच्छा युवा जरूरी है, युवा का बिहार में युवा का जरूरी है। आपको भी तेजस्वी के राज में मिलेगा अथी करने के लिए नौकरी, वेतन बढ़ जाएगा। आप लोग क्या टेंशन मिला है? 10 लाख के वादा किए थे कि हम 5 साल में देख, लेकिन 17 महीना में 5 लाख दे के दिखा दिए। तब मोदी जी को धड़कन आ गया, तब नीतीश कुमार को खींच के ले गए। लोगों का कहना है कि 5 लाख से क्या होगा, हम 10 लाख वादा किए थे 5 साल में, हम 17 महीना में 5 लाख दिए। 2 करोड़ के वादा किए थे मोदी जी, जो हमारा प्रधानमंत्री है महान, वो अभी तक 1 करोड़ का पूरा नहीं किए, 9 साल हो चुका है। अब क्या जरूरी है, चलिए तो देखते रहिए इसी तरीके से।